दिन दोस्तों, मैं उदय फौजी फिजिक अटेंड ग्वालियर से। आज का जो स्पेशल ये वीडियो है हाथ के ऊपर, हाथों का मूवमेंट, जो हम हाथ चलाते हैं अपनी क्या रनिंग के दौरान, आपके हाथ की स्पीड किस प्रकार से है और स्पीड कम क्यों है और स्पीड के दौरान आपके हाथ क्यों थक जाते हैं, इस चीज का विशेष आपको इसके ऊपर वीडियो मिला। क्योंकि देखते हैं कि जब आप रनिंग कर रहे हो और आपके हाथों का आपको चौथा राउंड होता है तो आपके हाथ थक जाते हैं। दूसरा है कि आपके हाथों का मूवमेंट गलत है। पहले तो आपको मूवमेंट सुधारना है कि आपका मूवमेंट कहीं अंदर और बाहर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से लड़के दौड़ते हैं, इस प्रकार से ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए। कोई लड़के अंदर हाथ करते नहीं होना चाहिए, कोई लड़के बिल्कुल बाहर कर लेते हाथ, ये नहीं होना चाहिए। आपको करना सिंपल सा, आपकी जो बॉडी जिस प्रकार से बनाई गई है, हमारा साइड में शोल्डर है तो साइड में हाथ चलने चाहिए। इस प्रकार से आपका बिल्कुल नोज एंड बैक तक होना चाहिए, हाथ यहाँ तक आना चाहिए। एक बार जब बेंड हो जाए दोबारा बेंड नहीं होना चाहिए, और इस प्रकार से पूरा इस प्रकार से हाथ आपको चलाना है। अभी है इन हाथों की जो मूवमेंट है ये फास्ट होना चाहिए और इसमें जान होनी चाहिए। जान मतलब क्या है कि लास्ट में आपके हाथ इस हाथ जो थक जाते हैं वो थकने नहीं चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप पुशअप निकालते रहें। दूसरा है कि सिंपल सी है कि आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, तीन एक्सरसाइज है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो आपको करनी है। करनी कितनी है आपको, सेट में करनी है। एक बार आपको 40 सेकंड करनी है, दूसरी बार फिर 40 सेकंड करनी है, तीसरी बार ये करनी है आपको 1 मिनट लगानी है। और ये तीनों एक्सरसाइज कंटिन्यू करोगे तो एक तो क्या होगा, आपका हाथों का जो मूवमेंट है वो सही होगा। दूसरा क्या होगा कि आपके हाथों में जान आएगी, जिससे क्या होगा कि आप चौथे राउंड को जब आप करोगे, पूरा करोगे, तो उसको आप खींच सकते हो बिल्कुल आउट। क्योंकि जितना हाथों का मूवमेंट फास्ट होगा उतनी ही रनिंग फास्ट होगी। ये टाइमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए थोड़ा फास्ट करना है इसको। इसी का क्या है, अभी डेमो होगा इसका। हाँ क्या पैरों इसी को डेमो जो है, हाँ पोस्टर बनानी है। पोस्टर बना के और बिल्कुल दो पत्थर, आप पत्थर ले सकते हो ग्राउंड के अंदर, अगर आपके पास डंबल है एक एक के जी के, आप डंबल भी ले सकते हो। आप डंबल लेके भी इनको हाथों में लेना है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, और जब पोस्टर यूँ बनानी बिल्कुल पूरे सामने देखना है बनाने पूरे, और यहाँ पे हाथों का मूवमेंट देखो, यहाँ से नोज एंड बैक तक ये स्पीड से ये रखना है, ये बिल्कुल स्पीड से रखना है। आपके जो रनिंग के दौरान जो हाथ थक जाते हैं उसकी बिल्कुल एक्सरसाइज, बहुत प्यारी एक्सरसाइज है। तैयार हो ओके स्टार्ट, ये जितना फास्ट कर सको और पीछे ध्यान दो, ये और फास्ट कर सवास, ये हाँ स्टॉप। ये पहली एक्सरसाइज हुई, इसी एक्सरसाइज के हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, सेम एक्सरसाइज है। हाँ पता छोड़ दो, हाँ राइट पाँव को आगे लेके आओ, रनिंग पोजिशन में आनी है और बिल्कुल सामने, ना मुट्ठी टाइट करनी है ना मुट्ठी यूं करनी है, हथेली खोलनी है दोस्तों, ध्यान रखना। करना क्या है बिल्कुल आके बिल्कुल खेचना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, यहाँ भी नोज एंड बैक ध्यान रखना है। तैयार हो रेडी स्टार्ट, ये नंबर दो एक्सरसाइज है। इसको भी वही सेट में करना है, जो मैंने आपको सेट बताया है उस सेट में करना है, बिल्कुल खेच के रखना है, नजर हमेशा सामने वो शाबाश स्टॉप। नंबर तीन बैठ के करनी है आपको, बैठ जाओ डाउन, पाँव सीधे करो और कमर सीधी बिल्कुल रनिंग वाली पोजीशन बनाओ। हाँ रेडी स्टार्ट, ये इस प्रकार से आपको ये तीसरी एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। आप अपने वर्कआउट के दौरान जब आपकी वर्कआउट पूरा होता है और आप इसकी रोज प्रैक्टिस करते हो और रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि आपके 10 से 12 दिन के अंदर आपके हाथों में जान आ जाएगी, जिससे आप 1600 मीटर का जो चौथा राउंड है, जो आप हाथ कमजोर पड़ जाते हैं आपके और आप रह जाते हो और आपका जो बैलेंस बिगाड़ते हो दौड़ते समय, जो हाथ को अंदर करके आपकी बॉडी को पीछे वाले से हिल जाता है, इससे बैलेंस बिगड़ता है, ये दोनों चीज आपकी दूर हो जाएंगी। और इसको कंटिन्यू करें और 15 दिन बाद रिजल्ट पक्का आएगा, आप मुझे अपना बताओगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक पक्का करें, शेयर पक्का करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।